हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमजीएल की महानगर गैस की और हम बात करेंगे आईजीएल की इंद्रप्रस्थ गैस की uh, मुझे लगता है कि आईजीएल में से निकल के एमजीएल में शिफ्ट हो जाना चाहिए क्यों हो जाना चाहिए कुछ टेक्निकल की वजह से टेक्निकल्स किसके ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं किसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है उसके बेस पे यहाँ पर आपको बताया गया है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पोजिशन बना लिया है बट मैं दोनों में इन्वेस्टेड हूँ बट आईजीएल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे आईजीएल में कुछ और लग रहा है तो आइए वीडियो में डिस्कस करेंगे उस चीज से रिलेटेड आगे बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे और हमें हम यहाँ पर सिखाते हैं आपको सिखाने की कोशिश किस तरीके से आपको शेयर खरीदने हैं किस तरीके टेक्निकल करके आपको नीचे बेसिस पे आपको हम हैं और अगर बात करें ऐसी वीडियो यहां पर इस वीडियो में बताया गया है आईसेक पकड़ा था हमने चार सौ रुपए पे और फिर उसके बाद यहाँ पर सात रुपए के आसपास शेयर चल रहा है इसी तरीके से यहाँ पर एक शेयर है अच्छा खासा आपको गेन मिल सकता है इन वीडियो वीडियोस जा को जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है कि आप कोई सहूलियत बन मिल जाए आपको सीखने के लिए यहाँ पर जाइए प्ले लिस्ट को चेकआउट करिए एज वेल एज well नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर ट्रेडिंग डिमेट अकाउंट नहीं है क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको सीखना है आपको ड्यू इंटेलिजेंस खुद की करनी है फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी है फिर उसके बाद पोजिशन लेनी है बाकी अगर बात करें हमारे चैनल को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए दोस्तों को लाइए क्योंकि दोस्तों को लाएंगे दोस्तों को बताएंगे तो अच्छा खासा पैसा मिलकर साथ में ब्लेसिंग के साथ कमा सकते हैं तो आइए शेयर की तरफ हम बात कर रहे हैं एमजीएल की महानगर गैस लिमिटेड डेट फ्री शेयर है ओके okay, हम बात करेंगे आई की उससे रिलेटेड वो भी डेट फ्री शेयर है बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई देती है और अगर बात करें आई की उसमें अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी मुझे कम दिखाई दे, दे रही है फोर अगर बात करें कुछ टाइम के लिए और अगर हम बात करते हैं महानगर गैस की तो आज अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया उसके बाद एक गिरावट है फाइव डेज की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न या कह सकते हैं कि एक साइड बाईस शेयर चल रहा है और यहाँ पर अगर बात करें ये शेयर अच्छा खासा दस के आसपास करेक्ट हो चुका है अगर बात करें मैक्सिम

बेस एक कंपनी है अगर बात करें बिजनेस सिटी मतलब जैसे आ, घरों में जो आजकल गैस है यहाँ पर आ, आप जो सी यूज करते हैं आप जो घर पे यूज करते हैं सिलेंडर उसकी जगह यहाँ पर अलग मीटर वाला सिस्टम बना दिया गया है तो मुंबई में भी इसी तरीके का यहाँ पर एक जैसे दिल्ली में आई है यहाँ पर एम के नाम से दिखाई देता है ये और पूरे मोस्टली मुंबई को इन्होंने जोड़ रखा है और इस तरीके से ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है बाकी अच्छी खासी कंपनी है क्यों कंपनी है लगभग डेट फ्री कंपनी दो का ही डेट मार्केट कैप ग्यारह हजार करोड़ का मार्केट कैप है जो कि लगभग अगर बात करें स्मॉल कैप कंपनी नजर आती है आर ओ सी छब्बीस परसेंट की है ये काफी अच्छी बात है इस कंपनी की जब भी बीस परसेंट मिल जाता है तो समझ लीजिए अच्छा खासी कंपनी है सेल्स की बात करते हैं पिछले बारह क्वार्टर की 619 करोड़ की सेल्स अगर बात करें सात करोड़ रुपए की सेल्स में तब्दील हो चुकी है हाईएस्ट एवर तो नहीं है क्योंकि पर बीच में हाईएस्ट एवर थी पर बीच में अगर बात करें तो ये पर देखिए एमजीएल के आई आई थिंक इफ एम नॉट रॉन्ग पर स्टेशन भी होंगे अब मुझे पता नहीं है टू बी वेरी फ्रेंक आईजीएल के पता के है के दिल्ली में है बट पर मुंबई की बात करें तो शायद होंगे बट यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है

अगर बात करें सेवेंटी फोर करोड़ रुपीज़ का ही है ज्यादा भी नहीं है और इकतीस सौ चौहत्तर करोड़ रुपए की रिजर्व कैपिटल शेयर कैपिटल ही निन्नवे करोड़ का है जिससे वो चाहे तो पर चुका सकता है एसेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस में पांच सौ साठ करोड़ रुपए लगे हुए हैं और जब ये पांच सौ साठ करोड़ रुपए ही यहाँ पर एड होते हुए दिखाई देंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा यहाँ पर जो रेवेन्यू है यहाँ पर जो सेल्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एवरीथिंग विल बी चेंज ओके और यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई कंपनी दिखाई देगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें आठ सौ छह 6 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश फ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो यहाँ पर चीज देखिए यहां पर एक भी ऐसा क्वार्टर या ईयर नहीं गया जहाँ पर नेगेटिव हो यहाँ पर uh, कैश फ्लो आरओसी आर की बात करें सत्ताइस परसेंट की आर है और प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें अगर यहां पर देखते हैं तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर छप्पन दो पर पर एक एक बेचे नहीं है और डीआईएस की बात करें डीआईएस ने, कर करे, ने भी सात से सत्रह कर लिया तो ये एक ह्यूज फिगर है इस चीज को हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर एफआई कंटिन्यूसली तो तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं डीआईएस ने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी कम करी है बट कोई इशू नहीं है बात करें गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के पास कितने परसेंट के शेयर टेन परसेंट के गवर्नमेंट और महाराष्ट्र और इसके अलावा अगर बात करते हैं पब्लिक की और पब्लिक की भी बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की तो थोड़ी सी हिस्सेदारी होगी अदरवाइज यहाँ पर एच एन आईज और ऑपरेटर जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं यहाँ पर नाइन पॉइंट टू टू परसेंट की हिस्सेदारी कम हो रही है मतलब समझ लीजिए इस शेयर का ये शेयर एग्जैक्टली है क्या तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज में बाकी आईडीएल की बात करें आईडीएल भी अच्छा खासा शेयर है नो डाउट ओके उसके भी पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं बट यहाँ पर कुछ टेक्निकल्स की अगर बात करें सबसे पहले हम आईडीएल की बात करेंगे एमजीएल पे बात में आएंगे तो आईजीएल की अगर हम बात करें तो एक मुझे चार्ट पैटर्न

दो चार्ट पैटर्न एक्चुअली बनते हुए नजर आ रहे हैं आप कुछ भी ले सकते हैं एक, या तो इसे कंसीडर कर सकते हैं या एक आप एस, इस वाले को कंसीडर कर सकते हैं इस वाले को को तो दोनों को हम कंसीडर करके पर चलते हैं पहले हम यहाँ पर इसे कंसीडर कर लेते हैं और इसके बेस पे देखते हैं कि क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है तो इसके बेस पे भी एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो की यहाँ पर अब देखिए ये एक अच्छा सा कब बना फिर उसके बाद एक हैंडल बना जिसने ब्रेकआउट दिया फिर उसके बाद नीचे आ गया अब दोबारा ब्रेकआउट देने की तैयारी पे और जब ये ब्रेकआउट देगा तो इस बार की जो शे, ये शेयर है ये शेयर इस बार अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा जो कि अच्छा खासा गेन है अगर हम बात करें कितना यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर लगा लेते हैं तो यहाँ पर इस शेयर को देखें तो ये शेयर अठारह सौ रुपए के आसपास जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है मतलब ये शेयर अभी कितने का है ग्यारह सौ रुपए के आसपास है मुझे लगता है कि अगर आप एक से सवा साल यहाँ पर दे देते हैं तो ये शेयर जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसे भी खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं ना तो एक साल के अंदर अंदर ये वो जब चीज ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये हर ये जो चीज होती है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की ये एवरी ईयर चेंज होती है इस चीज को याद रखना जब ये यहां पर ये सारा का सारा काम हो गया यहाँ पर एड हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी ये चीज

ये एक यहाँ पर कप बना जो यहाँ पर है और फिर उसके बाद एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जब ये यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है ये शेयर अच्छा खासा आपको गेन दे सकता है और कितना गेन दे सकता है वो आप देख लीजिए अच्छा खासा इससे इस भी रिजल्ट इससे भी यहाँ पर टारगेट अच्छे खासे नजर आ रहे हैं ये टारगेट दो हजार रुपए के उन्नीस सौ रुपए के आसपास नजर आ रहे हैं मतलब लगभग सेम ही है अठारह सत्रह सौ अठारह सौ उन्नीस सौ के आसपास के टारगेट है जो कि वन बाय वन आएंगे तो सबसे पहला टारगेट अगर बात करें तो सबसे पहला टारगेट तो यही है जो इसका रिसेंट हाई था बारह सौ तेरह सौ रुपए के आसपास का फिर इसके बाद यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम हाई था लगभग तेरह वो अचीव करेगा इसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर ये सारे के सारे टारगेट अचीव करेगा एक से सवा साल के अंदर सारे टारगेट मेरे अकॉर्डिंग अचीव होना जाना चाहिए बट अपनी खुद की स्टडी अपने